न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में एक विवाहिता के संदिग्ध प्रसूति में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ससुरालजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वही मृतक के पिता ने प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कूडर मजरे में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला का शव उसके घर पर मिला। परिजनों ने जैसे ही महिला को देखा तो घर में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा में तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। जिला पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे बाद युवक का शव निकाला। पुलिस और राजस्व टीम ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि मृतक जनपद के बदौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत नादन मऊ का रहने वाला है। श्रावस्ती में होली और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। श्रावस्ती पुलिस, बीएसएफ और एसएसपी की संयुक्त टीम ने हर चाक चौराहे, भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ ही बॉर्डर इलाकों में पैदल गश्त कर भ्रमण किया और पुलिस ने वाहन चेकिंग कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। वहीं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि होली त्यौहार को लेकर होलिका दहन स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस मुस्तैदी में होलिका दहन सम्पन्न कराया जाएगा। और होली के मद्देनजर हमारी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हमको एरिया डोमिनेशन के लिए एक कंपनी बीएसएफ मिली हुई है, उसको लेकर के हम लोग प्रत्येक थाने का रूट बना रखे हैं और राजपत्रित अधिकारी और मेरे नेतृत्व में और ट्रेडिशनल एसपी के साथ बारी बारी प्रत्येक थानों में निरंतर भ्रमणशील रह करके संबंधित सेल स्थानों पर एरिया डोमिनेशन का कार्य चल रहा है। इसी के साथ जो कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के अनुपालन कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। हम लोगों ने राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों से मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा वार्ता भी की गई है और अच्छा सा अनुपालन कराया जा रहा है। कानपुर में होली और गंगा मेला सहित सभी त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देशन में सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसपी, सभी प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिसकर्मी लगातार अपने अपने जोन सर्कुलर क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। वहीं जुमे की नमाज पर पुलिस कमिश्नर के एडिशनल एसपी हरिश्चंद्र ने संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर हरिश्चंद्र ने बताया कि पुलिस की सभी टीमें पूरे शहर में तैनात नजर आई, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई। लोकसभा चुनाव होली पर्व को लेकर कोटद्वार पुलिस और प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिक के साथ पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने जनता से मांग की है कि 24 मार्च को समय अनुकूल रहते ही होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाए। 25 मार्च को रंगों का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। देखिए, आगामी होली के त्यौहार के लिए आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि शहर के सभी लोग मौजूद हैं, सभी जो मुअज्जिन लोग हैं वो मौजूद हैं। उसमें बताया गया है कि जो होली का दहन है वो समय से कर लें और इसके साथ ही जो होली मिलन का जो अगले दिन रंगों का त्यौहार है वो भी शांतिपूर्वक मनाएं। साथ ही साथ क्योंकि आज चुनाव आचार संहिता लागू है तो उसके भी नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे और अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो तत्काल हमें सूचित करेंगे, इसके संबंध में बताया गया है। यहाँ पे एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, सीओ साहब भी हैं और कोतवाल साहब भी हैं, तो हमने कहा है कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो तत्काल आप हमें सूचित कर सकते हैं। अमेठी पुलिस अजब गजब कारनामा कर दिखाने में माहिर है। जिले की पुलिस को अब भविष्य दिखने लगा है। बता दें कि अमेठी पुलिस ने एक्स पर 21 मार्च 2024 की दोपहर 1:18 पर अभियुक्त सहित पुलिस कर्मियों के खुलासे की फोटो और प्रेस नोट को पोस्ट किया, जबकि प्रेस नोट में अभियुक्त की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को दोपहर बाद 2:35 पर दिखाई गई। अर्थात अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले ही थाने वालों को सुल्तान का भविष्य दिख गया और प्रेस नोट जारी कर दिया। अमेठी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पटरी पर बिगड़ी ट्रेन को लगा धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों के लिए बनी डीपीसी ट्रेन पटरियों के बीच में ही खराब हो गई थी। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रेल विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां रेलवे के अधिकारियों के लिए बनी डीपीसी ट्रेन पटरियों के बीच में खराब हो गई, जिसके बाद रेल कर्मचारियों के द्वारा ट्रेन को धक्का मारकर मेन लाइन से लूप लाइन में लाया गया। रेलवे कर्मचारी द्वारा ट्रेन को धक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कानपुर के राजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में एमपी एमएलए सेशन का कोर्ट का फैसला फिर से टल गया। अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। वहीं डीजीसी दिलजीत अवस्थी ने बताया कि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, अभियुक्त इरफान सोलंकी विधायक है, इसके अलावा रमजान का महीना भी चल रहा है और जुम्मे का भी दिन है, इसलिए सुरक्षा कारणों के चलते महाराजगंज जेल में बंद इरफान को फैसला सुनाने के लिए कोर्ट नहीं लाया गया। माननीय न्यायालय ने चूंकि पिछली तिथि पर माननीय न्यायालय छुट्टी पे थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि चूंकि छुट्टी भी होने की वजह से आज निर्णय करना उचित नहीं होगा और उसको पुनः सुनवाई करते हुए
और आदेश करते हुए लिखा है कि 28 तारीख को आदेश पारित किया जाएगा। ठीक है, आज जो 28 तारीख को डेट दी गई उसमें क्या सभी गवाहों को, जितने भी लोग हैं उनको बुलाया गया? नहीं, सभी गवाहों को नहीं बुलाया गया है, अभियुक्तों को बुलाया गया है। अभियुक्तों में इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से और शौकत अली को, इजराइल आटेवाला को और रिजवान सोलंकी को कानपुर जेल से, और शरीफ जो जमानत पे बाहर है उसको व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है। बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे पर दाव लगाने जा रही है। अभी तक निर्दलीय के रूप में हरिद्वार सीट से चुनाव की दावेदारी कर रही भावना पांडे ने हरिद्वार से बसपा प्रदेश कार्यालय पर बसपा ज्वाइन कर ली। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी भावना पांडे का जोरदार स्वागत किया। भावना पांडे ने कहा कि वो जल्द बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा जीत दर्ज करने जा रही है। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि श्रीनगर गांव में अंग्रेजी शराब की दुकान पर युवक नौकरी करता था। वहीं परिजनों ने कैंटीन संचालक धीरू और विपिन पर लगाया हत्या करने का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना घाटमपुर क्षेत्र में लगभग सुबह 9 बजे 112 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जलाला में एक खेत में एक लहूलुहान शव मिला है, जिसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर देखा गया तो पाया गया एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद है, उम्र लगभग 32 वर्ष, वो लहूलुहान हालत में खेत में पड़ा है। तुरंत मौके पर फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया तो पाया गया कि उसके शरीर पर फायरआर्म इंजरी है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके परिवारी जनों से तहरीर लेके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। हरिद्वार के रुड़की में गंग नहर किनारे सेल्फी लेते समय किशोर का पैर फिसलने से किशोर गंग नहर में बह गया। उसको बचाने के लिए उसको दोस्त ने भी गंग नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसका दोस्त भी पानी के तेज बहाव में बहने लगा। वही पास से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद से तो बचा लिया, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर किशोर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किशोर पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। झांसी में आम आदमी पार्टी के नेता अरशद खान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी शामिल रहे। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। देश में लगातार हो रही लोकतंत्र की हत्याओं में से एक अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, देश में इस वक्त जो जैसे हालात चल रहे हैं, इसमें फिर से एक बार हमने ये देख लिया कि किस तरीके से सत्ता की जो हवस है इसके चलते लोकतंत्र को जो लगातार कुचलने का काम किया जा रहा था उसमें अब एक और अध्याय जुड़ गया है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी को जिस तरीके से फैब्रिकेटेड सबूतों के आधार पर, किसी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरीके से इसकी एक टाइमिंग सेट की गई है, हम ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है उससे एक ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जो कि असफल साबित होगी। झांसी में आसा सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर बिजौली आदिवासियों की बस्ती में जाकर वहां के बच्चों के साथ होली का त्यौहार मनाया और कहा कि हम सभी को उन बच्चों को भी ये छोटी छोटी खुशियां देना चाहिए। आसा एनजीओ हर त्यौहार में ऐसे ही बच्चों के साथ मनाता है जो उन खुशियों से वंचित रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि सभी के काम आए। आसरा के सभी सदस्यों के सहयोग से इन बच्चों को पिचकारी, मुखौटा, हर्बल गुलाल दिए गए जिन्हें पाकर बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आए। झांसी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी गोपेश्वर तिवारी के माध्यम से जिलाधिकारी झांसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदीप जैन आदित्य ने उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी से वार्ता करते हुए कहा कि 2 मार्च को जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से रबी की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है, ना ही उन्हें किसी तरह का कोई भी मुआवजा मिला है। प्रतापगढ़ के प्रभात एकेडमी में फिजिक्स वाला ऑफलाइन विद्यापीठ संस्था प्रयागराज द्वारा संचालित है। इस एकेडमी में नए बैच 24-25 सेशन के लिए नीट और जेई प्रवेश परीक्षा तैयार के लिए शुभारंभ हो गया है। प्रभात एकेडमी के प्रधानाचार्य ने बताया कि लोकल बच्चों को जो बाहर जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ थे उनके लिए कम फीस में अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसा कि प्रभात एकेडमी प्रयागराज में इस साल से यानी 2024-25 सेशन में हम SIP प्रोग्राम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। SIP मतलब स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। बच्चों को हम स्कूल में ही ट्यूशन देंगे, उनकी प्रिपरेशन कराएंगे। जैसा कि मैं पूरा फाउंडेशन डिवीजन का हेड हूँ तो फाउंडेशन में हम 6 to 10 तक बच्चों को बोर्ड लेवल एज वेल एज उनको हम ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें गोल्ड मेडल और उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस साल से ही हम प्रभात एकेडमी जो कि प्रतापगढ़ में सिचुएटेड है, काफ़ी रिपोर्टेड कॉलेज है, उसके साथ हमारा कोलेब्रेशन हुआ है। हमारे पास
हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव शांति के साथ संपन्न हो इसके लिए ऋषिकेश कोतवाली में एसडीएम कुकुम जोशी और सीओ संदीप नेगी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च ऋषिकेश कोतवाली में शुरू होकर रेलवे रोड लक्ष्मण झूला रोड होते हुए श्यामपुर तक गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। एसडीएम और सीओ ने बताया कि फ्लैग मार्च निकालने का उद्देश्य यही है, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना बनी रहे और असामाजिक तत्वों में इस बात का खौफ रहे कि अगर उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की तो उनकी जगह शहर में नहीं बल्कि जेल में होगी। जिनकी तैयारियों के दृष्टिगत हमारे द्वारा आज सभी लोगों से ये अपील करते हुए मार्च किया गया है कि आदर्श आचार संहिता समस्त ऋषिकेश क्षेत्र में लागू हो चुकी है, अतः सभी लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे और जो भी निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करेंगे। जिस प्रकार से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या इन बारे में जानकारी दी जा रही है? ये अनाउंसमेंट यही किया जा रहा है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के लोग जो है बिना अनुमति के इकट्ठा ना हो और जितने भी आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई हैं उनका अनुपालन कर सकते। कासगंज से सिरपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुदामा नगर में मकान की दीवार लगाने को लेकर युवक राजीव कुमार और दबंग पप्पू में विवाद हो गया। विवाद में दबंग ने राजीव और उसकी पत्नी पर गोली और धारदार वार से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके का मुआयना करने एसपी अपर्णा रजत कौशिक और सीओ विजय कुमार आनंद घटनास्थल पर पहुंचे। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया जहाँ डॉक्टर ने युवक के सर और सीने में गहरी चोट लगी हुई है। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी के आदेश पर गौकर्ष खालिद निवासी खालापार में गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। इसके सिटी सत्यनारायण ने कार्रवाई की जिसमें खालिद का 25 लाख का मकान पुलिस ने सीज कर दिया। बता दें कि गौकर्षी में यह प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित की गई थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में भी हलचल मच गई है। इसी को लेकर कानपुर के बड़ा चौराहे पर आप पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सबसे अनोखी बात यह थी कि कानपुर के आर्यनगर विधानसभा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने लोहे की बीड़ियों में अपने आप को जकड़कर प्रदर्शन किया और कहा कि संविधान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, संविधान का गला घुटने का काम किया है। जो इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, जो उनके खिलाफ सबूत लाता है वो राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है। ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको अंदर करते हैं। मनीष सिसोदिया के अच्छे काम थे, उनको अंदर किया गया, एक रुपया नहीं मिला। संजय सिंह के घर से लैपटॉप से कोई पैसा नहीं मिला, उनको अंदर किया गया, क्योंकि संसद में वो लोकतंत्र की आवाज़ थे। अरविंद केजरीवाल को इसलिए अंदर किया गया कि कल ही भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में वो कोर्ट जमा किए हैं जिससे चंदा आया है, जिससे इनकी पोल खुलनी थी। और एक वो ऐसा व्यक्तित्व है देश का जो बहुत जानकार है, पढ़ा लिखा है, एक एक चीज खोलने वाला था। कल शाम को उनके अचानक इन्होंने ईडी की रेड कराई और उनको गिरफ्तार करा दिया कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।